Assalamu alaikum everyone, I hope you guys are doing well. In this video I'll be discussing with you guys the required documents. अगर आप लोग को NED में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं. जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आपका एंट्री टेस्ट हो जाएगा और आप क्लियर करेंगे देन आपके पास ना एक फॉर्म आता है. उसके अंदर सब स्टूडेंट्स के जो भी क्लियर कर रहे होते हैं उनके नाम मेंशन होते हैं और उसके अंदर बताया होता है कि आपने किस डे को आना है. क्योंकि जो जिस दिन सीट्स आपको मतलब आपने कौन सी फील्ड लेनी है फील्ड की सिलेक्शन के लिए इस पर डेज़ होते हैं. अब उन डेज़ में से जो ऑब्वियसली जो फर्स्ट डे में आ रहा होगा उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा फील्ड्स अवेलेबल होती हैं. जो सेकेंड डे में आ रहा था उसके पास उससे कम होती है और जो थर्ड डे में आ रहा था उसके पास उससे कम होती है. तो जब आप लोग जब आप फील्ड की सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे आपको फ़ीस भी पे करनी होती है और उस टाइम पे आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो वो एट द टाइम एडमिशन के वक्त पे उसी वक्त आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं. कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपने जो है सिर्फ उनकी कॉपीज़ देनी होती है और कुछ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो यूनिवर्सिटी अपने पास रख लेती है. और जब आपका जब आप फाइनल ईयर आ जाता है और जब आप ग्रेजुएट होते हैं तब आपके उस टाइम पर वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो यूनिवर्सिटी ने अपने पास रखे होते हैं वो आपको वापस रिटर्न कर देते हैं. तो अगर आपका NED में एडमिशन अगर आपको होगा एंट्री टेस्ट का क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनकी डिस्कशन मैं आज आप लोगों के साथ करूँगी. कुछ पहले बात कर लेते हैं हम लोगों के पास आपके पास अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ किस किस के चाहिए. अब अटेस्टेड जो है इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि 17 ग्रेड या हायर हो उससे जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ हैं उनको अटेस्ट करवाना है. ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपके पास होगा एडमिट कार्ड ऑफ एंट्री टेस्ट. एंट्री टेस्ट करते हुए जिन जिन जो जो स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पोर्टल पे एडमिट कार्ड आ गया होगा. तो जब आप एडमिशन के दिन फील्ड्स की सिलेक्शन के दिन जब आप जाएंगे तो आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी होनी चाहिए, वो आपने अटेस्ट करवा लेनी है. ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, SSC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट. ठीक है, आपके पास आपका इंटर का मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसकी कॉपी अटेस्टेड. अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, CNIC या तो आपके पास बी फॉर्म होगा आपका या आपके पास आपका CNIC होना है. अगर आपकी एज अभी CNIC बनाने की नहीं है तो ना आपके पास आपका बी फॉर्म होगा, आप उस बी फॉर्म में से की जो कॉपी है वो अटेस्ट करा के आप अपने पास उस दिन एडमिशन के दिन ले आइएगा. अच्छा, और जो अब डिस्कस कर लेते हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी अपने पास रख लेगी उनमें से कौन कौन से आपके पास आएंगे. ओरिजिनल्स रिटेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी. ठीक है, यूनिवर्सिटी आपके कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखी है. सबसे पहले जो है वो आपका है HSC का सर्टिफिकेट, HSC की सर्टिफिकेट. वैसे तो इस दफ़ा एक्सपेक्टेड यही है कि जो है सेकेंड ईयर की जो है रिजल्ट जल्दी इस दफ़ा आ जाएगा ताकि क्योंकि एग्ज़ाम्स की एंट्री टेस्ट की वजह से आपके पास इसलिए थोड़ा वो जल्दी आ जाएगा. HSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास. ठीक है, अगर तो हाँ, और आपके पास एक डोमिसाइल होना चाहिए. डोमिसाइल आप अपने अपना बनवा लेना, डोमिसाइल पहले से बनवा के रख लें क्योंकि बिल्कुल आखिर टाइम पे बहुत टाइम लग जाएगा और डोमिसाइल आपका नहीं बन पाएगा. डोमिसाइल अपना पहले से बनवा लेना. उसके बाद आपके पास आता है एफिडेविट ऑफ नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. एफिडेविट ऑफ नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है इसका मैं एक फॉर्मेट भी आप लोग अपनी कम्युनिटी पर डाल दूँगी. नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बेसिकली एक वो है कि इसमें आपने शो करना होता है इस एफिडेविट में कि भाई हम किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में यूनिवर्सिटी में कोई भी वो नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है. अच्छा, उसके बाद आपके पास फोटोग्राफ्स हैं.
फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, सिक्स फोटोग्राफ्स आपने अपने पास रखनी है, सही है। देन आपके पास होना चाहिए एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जो कि आपके पास जो है आपके पोर्टल पे से निकल आएगा, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए एडमिशन फॉर्म, ठीक है। अच्छा, जो अगर आपका कोई और बोर्ड है, जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मैट्रिक किसी और बोर्ड से किया होता है, इंटर किसी और बोर्ड से करा होता है, तो जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कराची बोर्ड के अलावा जिनका कोई और बोर्ड होगा वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे। ये सिर्फ उनके लिए जिनका कराची बोर्ड के अलावा कोई और बोर्ड है, उनके लिए क्या ज़रूरत है हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को अभी एडमिशन करते हुए ज़रूरत पड़ेगी। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी आपसे जब ये ले लेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, देन यूनिवर्सिटी जो है आपको एक लिस्ट दे देगी, उस पर इन सारे ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स के नाम हैं सर्टिफिकेटों में सारे ये सब मैंशन हुआ होता है कि भाई हमने आपसे इट्स लाइक अश्योरेंस बाय द यूनिवर्सिटी कि भाई हमने आपसे ये डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, और जब आपका बैच का एंड का टाइम होगा देन आपको वो चेकलिस्ट आपको अपने पास रखनी होगी संभाल के, बिकॉज आप वो दिखाएंगे यूनिवर्सिटी को, देन ही वो आपको ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और भी जो भी इन्फॉर्मेशन हुई। एक और चीज़ कि आप जो 2 सितंबर तक डेट थोड़ी सी बढ़ गई है, जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और अपनी अभी तक अपनी फ़ीस पे नहीं की, एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स ने, और 2 सितंबर तक अभी अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और अपनी फ़ीस भी पे कर सकते हैं, उन पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स नीडेड। फॉर एनी क्यूरीज टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।